हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है जर्नल। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, क्योंकि जर्नल से ही हमारा सारा अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्मेशन दे देता हूं स्टूडेंट, कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप में से जिसको भी अगर ऑनलाइन क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी होगी तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। सो हमारा जो टॉपिक है जर्नल का, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है मैंने लिख कर रखा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो द डेफिनेशन इज द बुक इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहां पर हम सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि जो जर्नल है ये हमारा फर्स्ट और प्राइमरी बुक होगा जहां पे हम अपने रिकॉर्डिंग को करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको इंफॉर्मेशन दें तो जर्नल में हमारा क्या होता है, जब भी हम अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, और अपने बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन किस तरह से करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग, सेलिंग, एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट, लॉस, यही सब हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शंस हैं जो टर्म्स आते हैं, और इन्हीं से हम रिलेट करके अपने न्यूमेरिकल को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो यही हमारा है जर्नल, जो डे बाय डे एंट्री हम करते हैं। मतलब अपने बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे हम जो परचेजिंग, सेलिंग और बाकी जो मैंने चीजें कहा है वो सब चीजें हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, अपने सबसे पहले बुक अपने जर्नल में। इसीलिए इसे हमने क्या कहा है, डे टू डे हमारी रिकॉर्डिंग बुक्स होती है। तो देखिए यहां पर आया भी है कि टाइम फॉर अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी एंट्री हम सबसे पहले यहीं पर करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में भी है, जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस क्या होता है, देखिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है, डे टू डे मींस हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस, इनकम, परचेजिंग, सेलिंग करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कहां होगी, हमारे जर्नल में। सो यही है, ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो रूल अगर आपका नहीं क्लियर है, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तो फिर जर्नल के जो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो से उसका कॉन्सेप्ट आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। बस वो वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। सो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि जहां पे हम अपने बिजनेस के सबसे प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी परचेजिंग होंगे, सेलिंग होंगे, इनकम, एक्सपेंसेस होंगे, इन सभी की रिकॉर्डिंग हम यहां पर अपने कहां पर करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं, जर्नल एंट्री में पास करते हैं। अब हम आपको जर्नल का एक स्टेप बताएंगे सिंपल सा, जो हमारा फॉर्मेट के बेसिस पे यहां पर सारी चीजें सॉल्व होंगी। तो जर्नल का अब हम आपको दिखाते हैं फॉर्मेट, कि एकदम सिंपल सा है स्टेप। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा लिखते हैं ऊपर हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री जिस भी बुक की हमें पास करनी होगी। अब यहां पर आएगा हमारा फॉर्मेट, ठीक है। सो फॉर्मेट में हमारा जर्नल का ध्यान से देखिए, यही है फॉर्मेट, हम बना रहे पूरा फॉर्मेट अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें देखते चलिएगा। ये एक हमारा सबसे माइक्रो कॉलम होगा सबसे फर्स्ट पे, इसके बाद से हमने इधर एक साइड ले लिया, सेम जो कॉलम है इधर भी हमारा होगा एक और एक और कॉलम होगा सबसे माइक्रो, पूरे फॉर्मेट में सबसे माइक्रो कॉलम यही होगा, और इसे हमने फिर इस तरह से बंद कर दिया। अब सभी के नेम देखते हैं क्या क्या हमारे आएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलम होता है जर्नल में वो होता है डेट के लिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो डेट है, सेकंड कॉलम जो होता है वो होता है हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। जो हमारा सबसे माइक्रो का कॉलम है ये है एलएफ का कॉलम, एलएफ मींस लेजर फोलियो, एक्सप्लेनेशन अभी हम देते हैं। फिर आएगा हमारा अमाउंट, डेबिट,
रुपीज जो भी हम दिखाएंगे यहां पर अपने अमाउंट को, और फिर इधर आता है हमारा अमाउंट क्रेडिट, जो भी क्रेडिट का अमाउंट होगा वो शो करेंगे हम। डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने कहा आपको, मैंने वीडियो में बताया भी है। सो अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है डेट के लिए, तो स्टेप में बताते हैं। डेट जो होता है ये शो करता है कि ट्रांजेक्शन हमने किस दिन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर 1 जुलाई को हमने कोई एंट्री किया, ठीक है, या 1 अप्रैल को कोई हमने अपने बिजनेस में सेलिंग किया, परचेजिंग किया, सो उस डेट पर हमने क्या किया, तुरंत अपने जर्नल बुक में एंट्री कर दिया। डे टू डे बुक इसे कहते हैं, इसीलिए मैंने बताया। तो हमने तुरंत क्या किया, इसकी एंट्री नोट कर दिया। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, डेट, किस डेट पर हमने ये ट्रांजेक्शन नोट किया है। सेकेंड हमारा है पर्टिकुलर, ये कॉलम हमारा सबसे मैक्रो कॉलम होता है, ठीक है, इसे ध्यान से देखना है। यहां पर हम क्या करते हैं, अपने डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को नोट करते हैं, मतलब विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, डेबिट और क्रेडिट दोनों को यहां पर नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई हमने अकाउंट लिखा है, जो भी अकाउंट का नाम होगा यहां पर हम अकाउंट का नाम मेंशन कर लेंगे, ठीक है, राम श्याम सीता गीता, जो भी कैश है, जो भी अकाउंट होगा वो मेंशन कर लेंगे। यहां पर ईयर हम मान लीजिए 2020, एक एग्जाम्पल में आपको फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, 2020 अप्रैल 1 को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई अकाउंट होगा जो हमारा डेबिट हुआ होगा और कोई अकाउंट होगा जो हमारा क्रेडिट होगा। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसके लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमने नोट किया और यहां पर हमने अकाउंट के साथ इसे मेंशन कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये अकाउंट जो भी हमारा है मैंने डेबिट कर दिया। अब इसके बाद से टू हमने जैसे लगाया, तो जो अकाउंट डेबिट था उसके लिए तो हमने यहां कॉर्नर पे डेबिट लिखे हैं, हमेशा कॉर्नर पे डेबिट लिखा जाता है, यहां पर हमने डेबिट मेंशन कर दिया। लेकिन जो भी अकाउंट यहां पर अब क्रेडिट होगा उसके लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं, और ये जो टू वर्ड लिखते हैं हम, ये डेबिट वाले जो अकाउंट नोट किया है हमने, इससे थोड़ी सी स्टेप छोड़ के, मतलब थोड़ा सा स्टेप स्पेस हमने छोड़ा और फिर यहां पर हमने टू लिखा, और टू लिख के फिर हमने अपने अकाउंट को मेंशन कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया डेबिट और क्रेडिट, दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, हमेशा दो अकाउंट इफेक्ट होंगे हमारे जर्नल में। सो अकाउंट एक हो गया डेबिट और दूसरा अकाउंट हो गया क्रेडिट। इसी पर्टिकुलर कॉलम में एक और चीज आती है विच इज नोन एज नरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नरेशन जर्नल एंट्री में, चाहे आप कॉमर्स में किसी भी कोर्स को करेंगे, नरेशन अगर जर्नल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। नरेशन में क्या होता है, हम फिर ब्रैकेट लगाते हैं और पूरा नरेशन लिखते हैं। अब नरेशन में होता क्या है, ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन हमने यहां पर किया है, ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे तो वहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिर दिखेगा। तो जो भी हमने यहां पर एंट्री अपनी पास किया है, जो डेबिट में है और क्रेडिट में है, तो ये जो अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ है, क्या रीजन था, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्यों क्रेडिट हुआ है, इसका रीजन क्या था, मींस जो ट्रांजेक्शन से हमने ये एंट्री बनाया है उस ट्रांजेक्शन का, मींस इस एंट्री का पूरा क्लासिफिकेशन हम अपने पूरा इसका डिटेल जो है अपने नरेशन में नोट करते हैं। नरेशन जो है ये बताता है कि ये जो एंट्री पास की गई है ये किस बिहाफ पे पास की गई है, परचेस की एंट्री है, सेल्स की एंट्री है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है ये एंट्री, वो पूरा बताएगा नरेशन, ठीक है। और इसके बाद से जो भी अकाउंट हमने डेबिट में मेंशन किया है, इसके बाद से हम क्या करते हैं, अपने अमाउंट को डेबिट कॉलम में दिखाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर क्रॉस इरेज कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो अकाउंट जो डेबिट हुए हैं उस डेबिट वाले अकाउंट का जो अमाउंट होगा वो हम अपने डेबिट कॉलम में शो करेंगे, ठीक है, अभी लेजर फोलियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो अमाउंट हो गया डेबिट में और फिर ये क्रेडिट में जो चीजें हैं, तो क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट कॉलम में, जैसे कि ये स्पेस छोड़ा और यहां पर हमने क्रेडिट मेंशन कर दिया, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा 1000 2000 जो भी अमाउंट आएगा। सो डेबिट अकाउंट के लिए डेबिट कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे, क्रेडिट अकाउंट के लिए क्रेडिट कॉलम में अमाउंट को हम शो करते हैं, ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था अमाउंट को शो करने के लिए। अब यहां पर एक जो पतला सा एकदम कॉलम दिख रहा है हमें लेजर फोलियो का, इसका वर्क क्या है, हम यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। जो लेजर फोलियो होता है इसका, अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको कोई वर्क नहीं होगा, आपके जब प्रैक्टिकल लाइफ, जब इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे पूरा, जब आप एंट्री पास करेंगे तब इसका यूज होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स के थ्रू बताता हूं क्या होता है लेजर फोलियो। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखा होगा रेगुलरली तो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है, मैंने बताया था अकाउंटिंग साइकिल,
और अकाउंटिंग साइकिल में आपको मैंने बताया भी था कि सबसे पहले आता है हमारा क्या, ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ट्रांजेक्शन से हम फिर क्या पास करते हैं, जर्नल, जर्नल से फिर हम क्या पास करते हैं, लेजर। आ गया ना वो स्टेप। तो लेजर के बाद फिर आता है ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद से फिर हमारा फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं समझना है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है अभी आपको समझाने के लिए वो सिर्फ ये दोनों है जो लेजर फोलियो आया है। अब देखिए, अभी हम जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, एलएफ, लेजर फोलियो। जब आपको हम लेजर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, यही लेजर फोलियो का कॉलम बन जाएगा, जेएफ मींस जर्नल फोलियो, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इस डेट पर ये अकाउंट की एंट्री पास किया, तो ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। मींस जर्नल का जो एंट्री होगा वो कहां पास होगा, फिर लेजर में, ठीक है। जर्नल की चीजें पोस्ट होकर लेजर में जाएंगी, एंड द लेजर बैलेंस पोस्टेड इनटू द ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल से जब भी कोई चीज लेजर में आएगी, तो जो अकाउंट हमने जर्नल में किया है, तो बुक है ये पूरी है, तो ये बुक का कोई पेज नंबर होगा, हर बुक में होता है ना पेज नंबर, आपकी बुक में भी है पेज नंबर, जिससे आपको ढूंढने में इजी हो जाता है। कंटेंट देखा आपने और देखा किस बुक का ये पेज नंबर है, तो आपने डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच गए, इजी होता है। वही चीज काम करता है यहां पर लेजर फोलियो, ये पेज नंबर शो करता है कि ये एंट्री हमने जो जर्नल में पास किया है, ये लेजर बुक में हमने किस पेज पर पास किया है, ठीक है। क्योंकि ये एंट्री गई है फिर लेजर में भी, क्लियर। अब क्या होगा, ये जो एंट्री है लेजर में किस पेज पर है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब लेजर बुक हमने पास किया होगा ना, तो इसका पेज नंबर हमने लेजर पे मेंशन किया होगा, और लेजर पे जिस पेज पर पास हुआ होगा वो पेज नंबर आ गया होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो पेज नंबर मेंशन होगा हमें वो इंडिकेट करेगा कि लेजर बुक बस खोलना है हमें, और उस पेज नंबर पर पहुंच जाएंगे जैसे, तो इस एंट्री का हमें पूरा क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी भले यूज में नहीं है, आगे आपके यूज में आएगा। तो ये हमारा था ओवरऑल जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, ये तो फॉर्मेट हो गया, अब इसका क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, इस अकाउंटिंग में मैंने आपको थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए थे, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और इसका अपना पूरा खुद का रूल है, और वही रूल, ठीक है, मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 11th थ्योरी एंड रूल्स नाम से है, जहां पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट है, और गोल्डन रूल्स का। वो दोनों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, मींस हम कहें अगर आपको दोनों टॉपिक क्लियर है, तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं दावे से कि आपको क्वेश्चन लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरे तरफ से गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट है, वही रूल है, आपको हर चैप्टर में यूज करेगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगा, उसी रूल पर हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, जैसे ही हमारी एक एंट्री कंप्लीट होती है, तो हम तुरंत अपने पर्टिकुलर कॉलम को क्लोज कर देते हैं। अब बात ध्यान से समझिएगा, जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट होगा, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम क्लोज होगा, ना ही लेजर फोलियो तक जाएंगे, ना ही अमाउंट डेबिट, ना ही अमाउंट क्रेडिट, पूरा नहीं बंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को ही क्लोज करते हैं। एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, क्योंकि जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तो मान लीजिए आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अप्रैल 2nd, तो यहां लिखेंगे आप अप्रैल 2nd और फिर नई एंट्री पास करेंगे, इसी तरह से आप पास करते चले जाएंगे। ये पूरा मैंने बंद कर दिया नीचे, अभी बंद नहीं करना है, ये आप एंट्री पास करते चले जाएंगे। ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट था, तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक एंट्री कंप्लीट हुई तुरंत पर्टिकुलर कॉलम क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एंट्री पास होगी, लेकिन ये लाइन आगे तक नहीं जाएगा, पूरा कब क्लोज होगा, जब हमारा पूरा पेज फिल हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जब हम फुल पेज हमारा जैसे कंप्लीट होता है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे जर्नल में, विच इज नोन एज ब्रॉट डाउन, या फिर इसी को एक और वर्ड से यहां पर यूज होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, शॉर्ट में बीडी और बीएफ, ये तो हमारा यूज होगा वर्ड, ब्रॉट डाउन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड। इसी तरह से एक और वर्ड आएगा, सीडी और सीएफ, मींस कैरेट डाउन या फिर कैरेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कब ये वर्ड यूज होगा, तो मान लीजिए आप ये फ्रंट पेज पर है, जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
तो जब आप फ्रंट पेज पर रहते हैं, मींस आपका जो करंट पेज है, जिसको हम करंट पेज अपना कहते हैं, कि जिस पेज पर हम क्वेश्चन को फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी करंट पेज पर होंगे और मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब फुल हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन अभी हमारा अभी कुछ ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए हैं और अभी हमारे बचे हुए, तो नेक्स्ट पेज पर जाना है हमें, तो नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पेज का टोटल करते हैं और उस टोटल को हम किस नाम से दिखाते हैं, हमारा यहां पर जो वर्ड है कैरिड डाउन, ठीक है ना, कैरिड डाउन या फिर कैरिड फॉरवर्ड, मतलब अपना बैलेंस हम नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हम करंट पेज पर यूज कर देंगे क्या, कैरिड फॉरवर्ड या फिर कैरिड डाउन, और फिर वही चीज जो हमारा बैलेंस आएगा कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड में, वही बैलेंस हमारा नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रॉड डाउन या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब जो पीछे वाला पेज हमारा है उससे हमने जो बैलेंस अपना आगे फॉरवर्ड किया है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये जो वर्ड यूज होगा ये हमारा करंट पेज के लिए यूज होगा और ये जो वर्ड यूज होगा ये हमारा नेक्स्ट पेज के लिए यूज होगा, ठीक है ना। और किस तरह से यूज करते हैं हम इसको, कैसे क्वेश्चन में अडॉप्ट करेंगे, ये सब जब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो आपको सारा पैटर्न हम फिर से दिखाएंगे। बस ये मैंने तो आपसे एक्सप्लेनेशन किया ताकि आपको एक ओवरऑल फॉर्मेट पता चल जाए कि आपको क्या यूज करना और क्या नहीं यूज करना है। सो ये हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन था, बस यही याद रखना है, करंट पेज है तो कैरेट फॉरवर्ड और नेक्स्ट पेज है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हमारा हो गया जर्नल का ओवरऑल फॉर्मेट। इसके बाद अभी आपका कुछ नहीं बचता है, अब जो भी चीजें बैलेंस रहेंगी वो हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे आपको उसी में आपको हम एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो लॉकडाउन है चल रहा है आपका और आप पढ़ाई करते रहिए, आपका एजुकेशन लॉस नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक वो फर्स्ट तुरंत पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।